क्रिमिनल, तुझे नहीं लगता आज हमने जल्दी उठ के गलती कर दी? मार्केट में तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। सही बात है इपू, हमें नहीं उठना चाहिए था। वैसे ये तो बता, तू मुझे जल्दी उठा के यहाँ पर क्यों लाया है? देख, हम रोज उठते नहीं तो कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है, तो मुझे लगा आज भी कोई मुसीबत आएगी तो मैंने सोचा जल्दी उठ जाए। हैं तू और तेरी बात है क्रिमिनल, दोनों टोटे। और जल्दी चल सकुरी, लेट हो रहा है, फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ आ रही हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है, मेकअप भी नहीं करने दिया। अरे वो देख रिपू, ये स्काइलर और सकुरी कहाँ जा रहे हैं? ये बाबू मोसाई कहाँ चले सुबह सुबह? अरे वो मैं और सकुरी गोवा जा रहे हैं घूमने के लिए। अच्छा, पर सकुरी तुम स्काइलर फटीसर के साथ घूमने क्यों जा रही हो? क्योंकि वो सारा खर्चा दे रहा है, तुम्हारी तरह नहीं है जो अपने चाचा के टुकड़ों पे पले। अबे ओ लाल ठट्टी, औकात में वे। वैसे सकुरी की बात भी सही है, तुम जैसे फटीसर हमारी तरह घूमने नहीं जा सकते। अबे स्काइलर, तुझे नहीं पता हम भी जाने वाले हैं, समझा? वैसे मैं चलता हूँ, तुम तो ज्यादा से ज्यादा क्लॉक टावर से पीक तक जा पाओगे, फटी छो कही के चलो सकुरी। अबे क्रिमिनल, ये साला तो बेइज्जती कर गया। हाँ इपू, अब तो बात ईगो पे आ गई है, अपने पर दादाओं की जमीन बेच दूंगा, पर घूमने तो मैं जाऊंगा। चल घर जाके आदम चाचा को बोलते हैं, हमारे पर दादा के पास तो जमीन ही नहीं है। ये नूबड़ी वाला क्रिमिनल आज सुबह उठ के कहीं गया है। माँ जी गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरे बेटे ने जिम ज्वाइन किया है, बॉडी बनाएगा। सारे नल्ले लोग वही करते हैं, पैसे कमाते नहीं, बॉडी बनाते रहते हैं। हाँ मुझे भी क्रिमिनल पे भरोसा नहीं, जिम के नाम पे कहीं और गया होगा। क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हो? मेरी घर में यही इज्जत रह गई है क्या आप मेरी? हाँ नालायक बेटे, अब तो तेरी इज्जत ही नहीं रह गई, ड्रामे क्यों कर रहा है? हाँ वैसे ताऊ जी बात तो सही है, दौलत है शोहरत है चाचा की, पर इज्जत नहीं है क्रिमिनल के। वैसे सुबह सुबह कहाँ गए थे तुम लोग? हाँ जिम में गए थे? हाँ गए तो थे सासा, पर एक्सरसाइज नहीं की क्योंकि जिम में फीस देनी पड़ती है, मुझे नहीं पता था। हाँ बेटा वैसे तू थक गया होगा, तेरे लिए लहसुन के परोठे बनाए हैं, खाना खा ले। खाना नहीं मम्मी, अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आप लोगों से। आदम सासा सभी लोग घूमने जा रहे हैं। तो क्रिमिनल हम क्या करें उसमें, जाने दे उन्हें? अरे क्या जाने दो उन्हें, आपको तकलीफ नहीं होती दूसरों को घूमते जाते हुए देखते हुए? मेरा तो खून खोलने लगता है। हाँ बाबू मोसाय बहुत तकलीफ होती है। हाँ ठीक है चलो, तो हम भी घूमने चलते हैं पीक पे। देखा देखा आ गए ना औकात पे, पीक पे नहीं हमें बरमुंडा के बाहर घूमने जाना है। अरे बेटा हम तो बचपन में घूमने जाया करते थे, पर गोटरी पे काफी बड़ी जगह है। मैं तो बोलती हूँ दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं, पेड़ के प्लेनेट पे घूमने। नहीं उतनी दूर नहीं जाना, एक काम करते हैं हम गोवा घूमने चलते हैं। हाँ क्रिमिनल ये अच्छा रहेगा, ठीक है चलो तो हम सब लोग चलेंगे घूमने। नहीं बेटा मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे बिजनेस मीटिंग में जाना है। पापा झूठ क्यों बोल रहे हो आप, मेरी तरह बेरोजगार हो यार। नहीं बेटा सच में उन्हें काम होता है, मैं भी नहीं आऊंगी। बेटा छोटू के एग्जाम्स चल रहे हैं तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है तो मैं इपू क्रिमिनल ग्रैनी और ताऊ जी चलेंगे गोवा, मैंने टिकट कर दी है, कल निकलेंगे। तो है गाइस गुड नाइट, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं अभी अभी जाग कर सोने वाला हूँ और पूरे दिन जाग के सपने देख रहा था। गाइस आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि गाइस कल हम घूमने जाने वाले हैं, वो भी गोवा। वैसे मैं कहीं जाने नहीं वाला था, पर स्काइलर और सकुरी को देख के मैं जेलस हो गया, मेरा खून खोल आया। गाइस मैं किसी को नहीं देख सकता घूमते हुए, मैं सारा पूरे दिन यहाँ पर घर में पड़ा रहता हूँ और वो लोग वहाँ मौज करे नहीं, इसीलिए कल मैं भी जाने वाला हूँ। और मैं गाइस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए नींद नहीं आ रही। वैसे आप लोग कहीं घूमने गए हो या नहीं वैकेशन में, कमेंट में बता देना। बाकी लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही दो यार, साथ में फ्री है। अबे नुबड़े सोने दे, क्या बक बक कर रहा है रात को? अबे इप्पू यार एक्साइटमेंट के मारे मुझे नींद नहीं आ रही, चलना फ्री फायर खेलते हैं। अबे नुबड़ी वाले सो जा, नींद तुझे नहीं आ रही मुझे तो आ रही है, सो जा चल। हाँ जा रहा हूँ, सो जा तू भी अपने कमोड में मुंह डाल के। ये लो हम सब पहुँच गए यहाँ पे और सबने अपना अपना सामान ले लिया है ना, कुछ भूल तो नहीं रहे ना?
ओम फो बेटा, मैं तो बिमल भूल गए, अब क्या करूँ। अरे गोवा में गोवा खाना ग्रैनी, क्या पूरे दिन बिमल बिमल करती रहती है, इनको घर में ही रखना सही है। और बाबू मोसाई वो छोड़ो, बस कब आने वाली है। अरे ये लो बेटा, आ गई बस, आ गई, चलो जल्दी से सब चढ़ जाओ। अरे ताऊ जी, हम बस में नहीं प्लेन में जाने वाले हैं गोवा। सही बात है, इन सबको घर में ही रहना सही है यार, सिर्फ मुझे ही घूमने जाना सही है। और ये लो भैया, आ गए प्लेन लेके। अरे आदम ही ले, तेरे लिए प्लेन ले आया हूँ, चुरा के लाया हूँ, तो आने के बाद इसे फेंक देना, ठीक है। थैंक यू फ्रैंकलिन भाई, चलो सब लोग बैठ जाओ। अरे सासा, वो मुझे याद आया, प्लेन में सफोगेशन होता है, तो मैं प्लेन में नहीं बैठूंगा। बाबू मोसा तेरी मर्जी, नहीं आना है तो मत आ, हम तो चलेंगे। ठीक है तो हम लोग चलते हैं फिर। मैं तो विंडो सीट पर ही बैठूंगी, बता रही हूँ। ग्रहणी खिड़की खोल के अपना गुटका मत थूकना, प्लेन क्रैश करवाओगे। कुछ समझ नहीं आ रहा हिप्पू, क्रिमिनल ही इतनी जिद कर रहा था घूमने की और बहुत एक्साइटेड था, फिर वही क्यों नहीं आया। क्रिमिनल साला बहुत अजीब है, उसे कोई समझ नहीं सकता। चाचा, सासा को लगता है कि मैं नहीं आया। आदम सासा, सरप्राइज। अबे वो तू ऊपर क्या कर रहा है, साले गिर जाएगा। सासा, मैंने बोला था प्लेन के अंदर मुझे सफोगेशन होती है, इसलिए मैं बाहर बैठूंगा। ठीक है बैठ, तुझे जहाँ बैठना है वहाँ। चलो सासा, गोवा में मिलते हैं। आदम ने तो टिकट करवाई थी ना, फिर ये चुराया हुआ प्लेन क्यों लाया। अरे चुराया हुआ प्लेन सस्ता पड़ता है ग्रेनी, टिकट बहुत महंगी हो गई है ना। देख मैं तुझे सच्ची बता रहा हूँ, अगर तुझे आसमान में ऊंचा उड़ना है तो मेरे से सीखना पड़ेगा। अरे बिग फैन जी, मैं रोज आपके व्लॉग देखता है जी। अच्छी बात है, वैसे तू उस कबूतर को जानता ही होगा, वासेपुर वाला जो एक पंख से उड़ता है, मैंने ही उसे सिखाया है। क्या बात है जी, आप तो वापी हो। ये लो हम पहुंच गए, इसी रिसोर्ट को हमने बुक किया है। अरे अरे रुक जा सासा, वो टैक्सी वाला हमारा सामान लेके भाग गया। नहीं क्रिमिनल, इसी रिसोर्ट का टैक्सी वाला था, वो सामान हमारे रूम में पहुंच जाएगा, चिंता मत कर। अरे मैंने ये हिप्पू कह रहा था, सासा गवार साला, कभी बाहर नहीं निकला ना, इसलिए बिसारे को नहीं पता होता। हाँ और बात तो मुझे ही आगे कर दे तू। अरे स्वागत है रे बाबा। ये क्या मुझे सलाम किया, इसे लगता है कि मैं कोई बड़ा अफसर हूँ। मैं तो शकल से झोकर लगता हूँ, एक और बार ट्राई करता हूँ, पता चल जाएगा। अरे साहब जी स्वागत है रे आपका। नहीं कोई इंसान तो मुझे देखकर पहचान लेगा कि मैं साहब जी नहीं हूँ, पक्का ये रोबोट है और यही कहीं सेंसर होगा, जहाँ आने पे ये सलाम करता होगा, मुझे वो सेंसर ढूंढना पड़ेगा। अरे स्वागत है रे बाबा आपका साहब जी। और आदम चाचा ये देखो, किसी की मस्त स्पोर्ट्स कार खोली है, मेरा फोटो खींच दो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊंगा। क्या यार रिपू, किसी की भी कार के पास खड़ा हो जाता है। फोटो तो खींचना ही चाहिए, रुक रिपू अभी खींचती हूँ। मेरा भी खींच दो बेटा, स्टेटस लगाऊंगा, नेचुरल लवर। हा 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 हा, क्या ही पेड़ पौधे है यहाँ पे। अरे वो नेचुरल नहीं, हैशटैग नेचर होता है, नेचर लवर। हाँ सो ही कहा बाबू मोसाय। और तू क्या सारे किसी की भी कार के पास खड़ा हो जाता है फोटो खींचने के लिए। बाबू मोसाय तू भी तो वही करता है। मैं खड़ा नहीं रहता हिप्पू, मैं बैठ जाता हूँ। चलो एक रील बना दो मेरी, गाना डाल दूंगा, गड्डिया उसिया रखिया। अबे ये क्या, ये छपरी तो हमारे वीआईपी गेस्ट की गाड़ी पे चढ़कर बैठा है। अबे नीचे उतर, डेंट पड़ गया तो तेरा घर जाएगा इसमें। अबे टेढ़ी क्यों चल रही है, तुझे भी खिंचवाना है तो खिंचवा लेना। अबे मैं मैनेजर हूँ इस रिसोर्ट का, निकाल दूंगा यहाँ से बाहर, समझा। क्या क्रिमिनल बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, किसी की भी कार के ऊपर चढ़ के फोटो खींच रहा है। सुनो भाई अब से ये ऐसा नहीं करेगा, इस बार छोड़ दो, आगे से ऐसा मत करना। अरे मजा आ गया, पैर की मोच ठीक हो गई। साले पता नहीं ऐसे कस्टमर्स कहाँ से आते, इन पे ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को। हाँ बाबू मोसा, क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो आप लोग, ये मत करो। अरे ये क्या, सामने तो स्विमिंग पूल है, जो पहले वहाँ पहुँचेगा वो फ्री फायर का सबसे बड़ा प्रो प्लेयर। अरे मैं ही हूँ सबसे बड़ी प्रो प्लेयर। ओबे हाँ, तुम सबको तो 07 से हरा दूंगा कस्टम में।
अबे यार ये साले फटीचर इस रिसोर्ट में कैसे पहुंच गए।